नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में सुना होगा। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि इस तरह की आपकी जो भी संगठन है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो या फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो इन्हें आप लोग विस्तार से कवर कर लीजिएगा। और मैं बार बार आप लोगों से कहता आया हूं कि कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके देख लिया करिएगा। इससे क्या रहेगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सिविल सर्विस की देख लीजिए, स्टेट पीसीएस को देख लीजिए, वनडे एग्जाम को देख लीजिए। इन सभी परीक्षाओं में आपके संगठनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, और जो आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो इस तरह के अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका संरक्षण करना, उनका एक तरह से देखभाल करना। और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषित नहीं किया गया है उसे, ठीक है। और वैसे आपको बात करूं तो भारत में आप देखेंगे 6 समुदाय को आपका अल्पसंख्यक में रखा गया है। इसमें आपका पारसी हो गया, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ठीक है। इस चर्चा में क्यों है अभी, क्योंकि आप सभी देखेंगे कि हाल ही में जो हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय है, इसने केंद्र सरकार को 30 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। यानी कि आप देखिए, इसमें जो व्यक्ति शामिल होते हैं इस आयोग में, उनके पद रिक्त थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को कि इन पदों को भरिए आप लोग, जिससे वो काम अपना कर सकें, जिस उद्देश्य से इस आयोग को बनाया गया था। और इससे यह सुनिश्चित होगा कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। इस अधिनियम को याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कौन सा है? 1992। आगे हम लोग बात करते हैं 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। कब? 1978 में। ये वही समय है जब आपने देखा है कि इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हुआ था। उसके बाद आपने देखा होने वाले चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। फिर आप देखेंगे 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और इसे नव निर्मित कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा गया था। और जिसने वर्ष 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। फिर आप देखेंगे वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधीन अधिनियम के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांवैधानिक यानी कि वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। एक बात और आपको यहां बता देता हूं, देखिए सांवैधानिक या वैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसकी स्थापना किसी अधिनियम के तहत की गई है और इसे संविधान में किसी अनुच्छेद में जगह नहीं मिली हुई है। और संवैधानिक संस्था कहने का मतलब क्या होता है? संविधान के हिसाब से इसकी स्थापना की गई है और संविधान के किसी आर्टिकल में आप देखेंगे उसकी व्याख्या आपको या उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ भी गए होंगे तो ये आप लोग याद रखिएगा। 1993 में आप देखेंगे पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था 1993 में। फिर आप देखेंगे 2014 में जैन धर्म को मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। अल्पसंख्यक का मतलब आप लोगों को साफ मालूम चल रहा होगा
कि जिनकी संख्या कम हो, समझ रहे हैं? अगर हम लोग इस आयोग की संरचना की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे एनसीएम में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और पांच आपके सदस्य होते हैं, और इन सभी का चयन आप देखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय में से ही किया जाता है। अब देखिए उन्हीं के संरक्षण के लिए, एक तरह से उन्हीं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपका अल्पसंख्यक आयोग है, तो आप देखेंगे उन्हीं समुदाय में से इन सभी सदस्यों को या उपाध्यक्ष को या अध्यक्ष को लिया जाएगा, ठीक है? तो इसकी संरचना को भी याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले इन व्यक्तियों को योग्य, क्षमतावान और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होगा, तो 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। अब बात आती है इनके कार्यों की, कि आखिर इसका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का काम क्या है। आप देखेंगे किसी काम के लिए ही तो इसका एक तरह से गठन किया गया होगा, कि बिना काम के लिए गठन कर दिया गया। तो संविधान में संसद और राज्य विधान सभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना इसका काम है। आयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना इसका काम है। और इसके काम में देखेंगे तो आप लोग केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें करना, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखना। फिर आप देखेंगे सांप्रदायिक संघर्ष और दंगों के मामले की जांच भी करता है। कौन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि 2011 में भरतपुर सांप्रदायिक दंगों के साथ साथ असम में 2012 की बोडो मुस्लिम संघर्षों की जांच आयोग द्वारा की गई और उनका निष्कर्ष सरकार को सौंपे गए थे। तो इस तरह की आप देखते हैं कि दंगे भी होते रहते हैं, और प्रत्येक वर्ष आप देखते होंगे कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय या फिर जातीय या धार्मिक या फिर आप देखेंगे भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाने का ये प्रतीक है। तो आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बन जाएगा कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 18 दिसंबर को। अगर हम लोग अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय के रूप में परिभाषित करता है, और भारत सरकार द्वारा देश में 6 धर्मों, इसमें आप मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, और आप देखेंगे जैन धर्म को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यक, और हिंदू आप देखेंगे बहुसंख्यक हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 के बारे में अगर हम बात करें तो यह अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचित 6 धार्मिक समुदायों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करता है। कौन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, कई बार ये डायरेक्ट आपसे कहीं भी पूछ लेता है, क्या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है कहीं? तो आपको बता देना है नहीं किया गया है। हालांकि आप देखेंगे संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, और इसका आर्टिकल आप देखते होंगे जो संविधान में भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार है, इसमें आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 और 16 को देखेंगे तो ये अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव का निषेध करता है, यानी सीधा से कहने का मतलब यही है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस पुरुष हैं या महिला हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है, इससे आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सभी एक हैं, कानून सबके लिए बराबर है, आपसे कोई भेदभाव नहीं करता है। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में
नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन इसमें देखिए आप लोग अपवाद रहते हैं कुछ, समझ रहे हैं? फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 25 एक और 26 और 28, ये क्या कहता है? यह लोगों को अंतराकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है। संबंधित अनुच्छेदों में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य हेतु धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है और अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति का अधिग्रहण और उनके प्रशासन का अधिकार भी शामिल है। राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में आप देखेंगे धार्मिक शिक्षा हो या आपकी धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने या अनुदान सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 29 और 30 भी आप लोग पढ़ते होंगे। अनुच्छेद 29 कहता है कि यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि राज्य के, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपने विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में आप देखेंगे नागरिकों के वर्ग शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी आपके शामिल हैं। एक आर्टिकल आपका 30 भी है इससे संबंधित, इसे भी देख लीजिए। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित नहीं है और नागरिकों के किसी भी वर्ग, जैसे कि अनुच्छेद 29 के तहत, तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। एक आर्टिकल आपका 350 बी भी है, एक क्या कहता है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसे 7वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350 बी के रूप में जोड़ा गया था और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। तो इस 7वें संविधान संशोधन अधिनियम को भी आप लोग तो याद रखिएगा। तो यही है आपके किसकी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कहानी। इन्हीं सभी पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर देने में सक्षम भी हो जाएंगे। एक आपकी सूची बनाई हुई थी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, उस सूची को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें इस तरह के जो भी आपके इस तरह के संगठन है आपके, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हों, संविधानिक हों, समझ रहे हैं आप लोग, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हों, उन सबको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। अगर कोई छूटा हो तो बताइए, उसे भी कवर करवा देंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो अभी आप देखिए कि 6 समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा मिला हुआ है। इन 6 को आप लोग याद भी रखिए, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ठीक है?